हेलो एवरीवन वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ़ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स लेक्चर फाइव में हमने बहुत तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे लॉजिकल रिलेशनल एर्थमेटिक यूनेरी ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं आप ये समझिए ये भी उसी लेक्चर का पार्ट है नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम उनके कन्वर्जन्स तो आज की वीडियो को समझने में आसानी होगी तो एक काम करते हैं बिटवाइज वाइज ऑपरेटर्स शुरू करने से पहले एक क्विक रिविज़न लेते हैं नंबर सिस्टम का ठीक है डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर सिस्टम का तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है जीरो टू नाइन डिजिट्स होती हैं है ना उनका बेस होता है टेन डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो बिट्स यूज़ होती हैं जीरो और वन और बेस होता है टू तो चलिए अब बिटवाइज ऑपरेटर्स शुरू करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो ऑपरेटर्स जो बिट लेवल पे ऑपरेट करते हैं बेसिकली वन और ज़ीरो पे ठीक है तो पहला बिटवाइज ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं और ठीक है और क्या करता है नंबर की हर एक बिट पे जाके और ऑपरेटर लगाता है एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए आपके पास एक डेसिमल नंबर है नाइन जिसका बाइनरी कन्वर्जन होगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन और एक नंबर है आपके पास टेन जिसका बाइनरी कन्वर्जन होगा वन ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक है तो होगा क्या बिटवाइज़ और ऑपरेटर इस पर लगाने से अगर हम नाइन और टेन लगाएंगे ना तो क्या होगा कि पहले तो ये सारे जो हैं बाइनरी में रीड होने वाले हैं क्योंकि हमने बिटवाइज ऑपरेटर लगाया है जब आप कोड लिखेंगे तो आप नाइन और टेन ही लिखेंगे बाइनरी में नहीं लिखेंगे वो कंपाइलर खुद कर लेगा कि भाई यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर दिख गया इसको और सिंगल एक सिंगल डंडा दिख गया तो ये समझ जाएगा कि भाई बिटवाइज करना है काम अपने को करेगा क्या हर एक बिट पे जाएगा ठीक है और जो कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स हैं उन पे और ऑपरेटर लगाएगा और और ऑपरेटर क्या करता है अगर कोई एक भी बिट वन होती है तो रिजल्ट वन देता है हमने लॉजिकल में भी और ऑपरेटर पढ़ा था वो एक वो अलग था ठीक है मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी ये वाली चीज़ सही है उसमें भी ऐसे ही होता था कि अगर ट्रू और फॉल्स है और अगर एक भी चीज़ ट्रू है तो वो रिटर्न ट्रू करता था यहाँ पे अगर एक भी बिट वन है तो रिजल्ट वन ही आएगा ठीक है अगर दोनों ही जो बिट्स हैं वो जीरो हैं तो तो जीरो आएगा लेकिन एक भी वन है तो ये वन देगा और दोनों वन है तो भी वन देगा तो वन और जीरो का आएगा वन जीरो और वन का भी वन क्योंकि एक तो बिट वन है ना और जीरो और जीरो का वन नहीं आएगा क्योंकि दोनों जीरो हैं और वन और वन का ऑब्वियसली वन आएगा ये नंबर क्या हो गया भाई ये नंबर है इलेवन ठीक तो ये हो गया बिटवाइज और ऑपरेटर अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या है बिटवाइज ही काम करेंगे एक एक बिट पे काम करेंगे पर एंड ऑपरेटर क्या करता है एंड ऑपरेटर वन सिर्फ तब रिटर्न करता है जब दोनों बिट्स वन हो। अगर एक भी बिट ज़ीरो हुई तो ये जीरो देगा तो नाइन और टेन पे ही अगर हम एंड लगाएं तो लेट्स अब हम एंड कर रहे हैं नाइन एंड टेन तो वन और जीरो का एंड क्या होगा जीरो जीरो और वन का वो भी जीरो और जीरो और जीरो का वो भी जीरो और वन और वन का वन ठीक है अगर आपको याद हो तो हमने एंड ऑपरेटर को कंपेयर किया था राजा हरीश चंद्र से इनको सच्चाई से बहुत प्यार है बिट वाइज के केस में इनको वन से बहुत प्यार है अगर दोनों वन देंगे तो ही वन आएगा ठीक है तो ये हो गया एट तो नाइन और टेन देगा आपको इलेवन और नाइन एंड टेन देगा आपको एट ठीक अब ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और क्या है इसको जोर भी कहते हैं इसका फंडा क्या है कि अगर दो बिट्स सेम है तो, तो ये जीरो देगा और अगर दोनों बिट्स डिफरेंट हैं तो ये देगा वन एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए अब हम नाइन जोर टेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वन और जीरो क्या है दोनों अलग अलग बिट्स हैं ना तो यहाँ पे वन देगा ये ज़ीरो और वन ये दोनों भी अलग अलग बिट्स हैं तो यहाँ पे भी वन देगा ज़ीरो और ज़ीरो ये दोनों सेम बिट्स हैं तो ये जीरो देगा वन और वन ये भी सेम है तो ये भी ज़ीरो देगा इसको ज़ीरो और वन से फ़र्क नहीं पड़ता जोर को फ़र्क पड़ता है सेम और डिफरेंट से डिफरेंट बिट्स दिखती हैं तो वन सेम बिट्स दिखती हैं तो ज़ीरो ठीक ये क्या है थ्री तो so, हमने देखा कि नाइन और टेन हमारा आया था इलेवन नाइन एंड टेन आया था एट और नाइन जोर टेन आया है थ्री ठीक है हम कोड भी लिखेंगे इसका और कोड में भी वेरीफाई करेंगे ठीक नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट या बिट वाइज नॉट ऑपरेटर ठीक है इसको नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं ये क्या करता है इट इनवर्ड्स ऑल द बिट्स मान लीजिए आपके पास है नाइन नाइन क्या होता है जी वन ज़ीरो ज़ीरो वन तो अगर आप ये निकालेंगे ना कॉम्प्लीमेंट नाइन तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो वन वन ज़ीरो सारी डिजिट्स जो हैं रिवर्ट हो गई वन कन्वर्ट हो गया जीरो में जीरो कन्वर्ट हो गया वन में जीरो कन्वर्ट हो गया वन में और वन कन्वर्ट हो गया ज़ीरो में ठीक है अब देखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे ही समझते हैं कि होने क्या वाला है हम नाइन लिख लेते हैं पहले ठीक है ये नाइन जो है बाइनरी में हमने लिख लिया यहाँ पे सब क्या है ये अगर आप कोई नंबर है अगर आप उसके पीछे स्टार्टिंग में जीरो लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना राइट यहाँ पे अगर आप जीरो लिख दें तो भी ये नाइन ही रहा यहाँ एक आप एक और जीरो लिख दें तो भी ये नाइन ही रहा इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह बना ली है ठीक है तो ये जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं ये दोनों ना दो ऑपरेंट्स मांगते हैं जैसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में तो हमने खाली नॉट नाइन लिख दिया था ना तो यहां पे लेफ्ट शिफ्ट में ना दो ऑपरेंट्स चाहिए वो दो ऑपरेंट्स क्या हैं पहला तो जिस नंबर पे हमें लेफ्ट शिफ्ट या राइट right शिफ्ट लगाना है वो उसके बाद हम लगाते हैं ये ऑपरेटर और फिर हमें कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करना है मान लीजिए एक बार करना है या दो बार करना है या तीन बार करना है ठीक है तो ये दो ऑपरेंट्स मांगता है अब इसका क्या मतलब है वो अभी हम समझते मान लीजिए हमें एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी बिट्स हैं ना वो उठ के एक साइड लेफ्ट की तरफ चली जाएंगी ठीक है तो देखिए ये जो बिट्स हैं ये सारी उठ के यहाँ आ जाएंगी ठीक है यहाँ तो खाली स्पेस आ गया ना इस खाली स्पेस में ज़ीरो आ जाता है ठीक है तो नाइन लेफ़्ट शिफ्ट अगर आप वन करेंगे नाइन क्या है नाइन इज़ वन ज़ीरो वन अगर आप इसको लेफ्ट शिफ्ट वन करेंगे तो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो आएगा और ये नंबर है एटीन ठीक है अगर दो बार लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो क्या होगा समझते हैं तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है इस बार ये दो बार लेफ्ट की तरफ खिसकेगा करेक्ट दो बार लेफ़्ट की तरफ ये खिसकेगा तो ये जो ऐसा दिख रहा है कि दिखना शुरू हो जाएगा एक बार ऐसे शिफ्ट हुआ और एक बार और हुआ ठीक है तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से और ये नंबर होगा यहाँ पे ज़ीरो आ जाएंगे जो खाली जगह बची है ना तो ये नाइन लेफ्ट शिफ्ट टू हो गया और आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर बन के आएगा थर्टी सिक्स ठीक तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ठीक है राइट शिफ्ट इसका बिल्कुल उल्टा होता है राइट शिफ्ट भी समझते हैं ये हमारे पास नाइन लिखा हुआ है और हमें नाइन को राइट में शिफ्ट करना है इस बार एक बार ठीक है राइट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं दो इस तरह के एरोज से ठीक है तो हमें राइट शिफ्ट करना है लेफ्ट में क्या करते थे इस साइड शिफ्ट करते थे राइट में क्या करेंगे भाई इस साइड शिफ्ट करेंगे अब एक बार शिफ्ट करना है ठीक है तो ये पूरा नंबर उठेगा और एक बार जो है शिफ्ट हो जाएगा ठीक है पर ये जो वन है अरे भाई वन कहाँ भागे जा रहे हो यहाँ तो कोई जगह नहीं है आगे कोई जगह नहीं है पीछे थी पीछे खाली जीरोज हो सकते थे पर आगे कोई जगह नहीं है तो ये वन यहां से ड्रॉप हो जाएगा गिर जाएगा ऐसा समझिए आगे तो एक खाई थी अगर आपने आगे खिसका दिया तो वन तो गिर ही गया ठीक है तो नंबर बचा वन जीरो जीरो विच इज फोर अगर हमें इसी चीज को दो बार राइट शिफ्ट करना होता तो ये नंबर उठेगा और दो बार राइट में जाएगा राइट किधर भाई? इधर राइट एक बार राइट गया ठीक है और जी एक और बार राइट गया अब खाई में कितने लोग गिरने वाले हैं दो क्योंकि दो बार राइट शिफ्ट किया तो ये ज़ीरो वन भी गायब अब नंबर बचा हमारे पास नाइन को दो बार राइट शिफ्ट किया तो बचा सिर्फ टू ठीक है तो यहाँ दो चीज़ें और हैं कि भाई कई बार ना बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये ऑपरेटर्स याद नहीं रहते कौन सा लेफ़्ट शिफ्ट है कौन सा राइट शिफ्ट है तो उसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसमें जो ये चोंच सी है ना लेफ़्ट की तरफ है उधर लेफ्ट में खींच रहे हैं तो लेफ़्ट शिफ्ट के ऑपरेटर को कैसे याद रखेंगे कि भाई लेफ़्ट की तरफ खींच रो जो इधर ये चोंच बनी हुई है ये लेफ्ट की तरफ जा रही है ठीक है और जो ये राइट शिफ्ट है इसमें राइट की तरफ खींचना है तो इधर की तरफ खींच रहे हैं तो ऐसे आप याद रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर आपने नोटिस किया अभी तक तो आप ये देखिए मैंने नाइन लेफ्ट शिफ्ट वन लिखा ना तो नाइन की वैल्यू डबल हो गई ठीक है और नाइन लेफ़्ट शिफ्ट वन एटीन था ठीक है उसको मैंने एक और बार लेफ़्ट शिफ्ट किया तो वो फिर से डबल हो गया थर्टी सिक्स हो गया बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे अगर आप लेफ्ट शिफ्ट बी लिख रहे हैं ना तो वो बन के आ रहा है ए इंटू टू की पावर बी कई बार हम लेफ्ट शिफ्ट वन को यूज़ करते हैं ए इंटू टू करने के लिए क्योंकि बी तो इस केस में वन है ना तो ए इंटू टू हो जाता है पर जो बात है वो ये है कि ए लेफ्ट शिफ्ट बी बन के आता है ए इंटू टू बाई बी ए इंटू टू की पावर बी और राइट शिफ्ट में अगर आप देखें तो नाइन जो है आधा हो गया फोर और इस केस में फोर का आधा हो गया था टू तो यहाँ पे ए राइट शिफ्ट बी बनता है ए डिवाइडेड बाय टू की पावर बी ठीक है तो यार ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स एक बार कोड से वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट तो हम दो नंबर्स ले लेते हैं पी और क्यू ठीक है पी हो गया नाइन और क्यू ले लेते हैं अपन टेन ठीक अब इन पे लगा के देखते हैं सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स पी और Q करते हैं इसका रिजल्ट आना चाहिए इलेवन नाइन और टेन हमने देखा था इलेवन था पी एंड Q करते हैं जिसका रिजल्ट आना चाहिए एट P जोर Q करते हैं जिसका रिजल्ट आना चाहिए थ्री और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करके देखते हैं पी को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं एक बार पी है नाइन तो आएगा एटीन राइट दो बार लेफ्ट शिफ्ट किया अगर इसको तो थर्टी सिक्स राइट शिफ्ट करते हैं राइट शिफ्ट चलिए क्यू को करते हैं क्यू एक बार राइट शिफ्ट करेंगे तो टेन डिवाइडेड बाई टू फाइव आएगा और Q को दो बार राइट शिफ्ट किया तो आएगा टू करेक्ट अब एक बार रन करके देखते हैं ठीक मैच करते हैं चलिए इलेवन एट थ्री बिल्कुल सही और एटीन थर्टी सिक्स फाइव टू बिल्कुल सही तो सर ये हो गए बिटवाइज ऑपरेटर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही हमने क्या देखा आज कि भाई बिटवाइज ऑपरेटर्स वो होते हैं जो बिट लेवल पे ऑपरेट करते हैं छह तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स हमने देखे बिटवाइज और जो बिट बाय बिट और ऑपरेशन परफॉर्म करता है और ऑपरेशन क्या करता है अगर बिट दोनों की दोनों वन है या दोनों में से कोई एक भी वन है तो वन रिटर्न करता है और अगर दोनों ज़ीरो हैं तो जीरो रिटर्न करता है बेसिकली कोई एक भी वन है तो वन देगा ठीक बिटवाइज़ एंड क्या करता है हर एक बिट पे जाके एंड ऑपरेशन लगाता है और एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है कि भाई दोनों ही वन होनी चाहिए तो ही वन आएगा अदरवाइज़ हर केस में ज़ीरो आएगा बिटवाइज ज़ोर में क्या होता है बिटवाइज ज़ोर में वन और ज़ीरो से फ़र्क नहीं पड़ता बिटवाइजॉर में फ़र्क पड़ता है कि जो दोनों बिट्स हैं वो अलग हैं या एक ही हैं ठीक है थिक? अगर अलग हैं मान लीजिए वन ज़ीरो है या ज़ीरो वन है तो वन आता है ठीक है और अगर दोनों सेम है मान लीजिए दोनों जीरो जीरो है या वन वन है तो जीरो आता है फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर जो कि सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है ठीक उसके अलावा हमने पढ़ा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है बिट्स को जितनी बार भी हम बोल रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट करो उतनी बार लेफ्ट शिफ्ट करता है राइट right शिफ्ट जितनी बार भी बोल रहे हैं उतनी बार राइट right शिफ्ट करता है और ए लेफ्ट शिफ्ट बी इज इक्वल टू ए इंटू टू की पावर बी होता है ए राइट शिफ्ट बी ए इंटू टू टू द पावर बी होता है ठीक है सो so, आज के लेक्चर के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज अ जेंटल रिमाइंडर आप पी डब्ल्यू स्किल्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जाके लेक्चर्स के नोट्स असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइस कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक दैम अप एंड एड्रेस दैम इन दी अपकमिंग लाइव डाउट रिजोल्यूशन सेशन दैट वी विल कंडक्ट सो थैंक यू अगेन एंड हैप्पी कोडिंग बाय